नमस्ते ही दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार हमारे YouTube चैनल SP गेमिंग में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए थे न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में फ्री फायर के टॉप 5 ऐसे कुछ आइटम्स बताने वाले हैं जो कि हमारे रियल लाइफ से इंस्पायर होकर बनाई गई है। वैसे तो हमारे फ्री फायर में बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि हमारे रियल लाइफ से इंस्पायर होकर बनाई गई हैं, लेकिन आज की वीडियो में थोड़े अलग टाइप के आइटम्स दिखाने वाले होंगे जिनके बारे में आप शायद जानते ही नहीं होंगे। बहुत कम ही प्लेयर इनके बारे में जानते होंगे कि हमारे रियल लाइफ में कैसे दिखती है। जैसे कि आपने हमारे गेम में ये तो मतलब स्केटबोर्ड की स्किन देखी होगी, सब बैकग्राउंड देख रहे हो, लेकिन क्या कभी आपने रियल लाइफ में ऐसी मतलब चीज़ देखी है? मेरे को मतलब बता देना, मैं इसके बारे में आपको रियल लाइफ में एक ऐसी दिखती है स्केटबोर्ड आपको दिखाने वाला हूँ। और उसके साथ ही आपने गेम में एयरशिप देखा होगा जिससे हमें बहुत सारा लूट मिलता है। तो क्या आपने कभी रियल लाइफ में एयरशिप देखी है? तो आज की वीडियो हम इन सब के बारे में रियल लाइफ वाली आइटम्स दिखाने वाले हैं कि कौन मतलब आइटम्स रियल लाइफ में ये सब कैसी लगती है। ऐसे ही टॉप 5 आइटम्स दिखाएंगे जो कि रियल लाइफ से इंस्पायर होकर और बनाई गई हैं। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली बहुत ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को अंत तक जरूर मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट बिना वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि फिर फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर तौर पर लाते रहते हैं। चलिए बात करते हैं वीडियो में। दोस्तों हम बात कर लेते हैं आइटम नंबर 5 की। अब 5 नंबर पे एक प्लेस के बारे में बताने वाले हैं। आपने बरमूडा मैप में रिम नाम विलेज तो देखा ही होगा, जैसा बैकग्राउंड देख रहे हो ये रिम नाम विलेज तो देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने रियल लाइफ में रिम नाम विलेज देखा है कि मतलब किसके मतलब कॉपी करके बनाया गया, किससे इंस्पायर होकर फ्री फायर ने लाया है? तो आज की वीडियो आपको रियल लाइफ में दिखाने वाले रिम नाम विलेज कैसा दिखता है, और आप बैकग्राउंड देख रहे हो कि मतलब मलेशिया के जो बीच है वहीं से इंस्पायर हो कि फ्री फायर ने हमारे गेम में रिम नाम विलेज लाया था, क्योंकि हूबहू उसी के जैसा दिखता है। मतलब उसको बोलते हो कॉपी बोल सकते हो, सिमिलर बोल सकते हो, मतलब कोई भी डिफरेंट नहीं है। इसी से फुल्ली इंस्पायर होकर हमारे गरीना फ्री फायर ने हमारे गेम में रिम नाम विलेज लाया था। तो क्या कभी आपने रियल लाइफ में रिम नाम विलेज को देखा था? मेरे को कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो उसमें नंबर 4 पर हम बात कर लेते हैं ग्लाइडर के बारे में। दोस्तों आपने गेम में ग्लाइडर तो देखा ही होगा जिसका यूज़ करके आप मतलब डिस्टेंस को कम कर सकते हो, बहुत दूर दूर की डिस्टेंस को कम टाइम में सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन क्या कभी आपने रियल लाइफ में ग्लाइडर देखी है कि हमारे रियल लाइफ में ग्लाइडर कैसे दिखती है? तो आज की वीडियो में आपको रियल लाइफ की ग्लाइडर दिखाने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आपको रियल लाइफ की ग्लाइडर दिखाते हैं। जैसे कि आप बैकग्राउंड देख रहे हो कि ग्लाइडर हमारे रियल लाइफ में कुछ इस तरह की दिखती है, और इसका यूज भी मतलब हम किसी इसका यूज करके हम उड़ सकते हैं और डिस्टेंस को कम कर सकते हैं, कम टाइम में डिस्टेंस को मतलब कवर कर सकते हैं। हमारे रियल लाइफ की ग्लाइडर और गेम की ग्लाइडर, आपको दोनों में से कौन सी ग्लाइडर अच्छी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 पे टावर के बारे में। तो आपने कैंपिंग टावर तो देखा ही होगा गेम में, जैसे बैकग्राउंड देख रहे हो। इस टावर का यूज करके आप मतलब कैंप कर सकते हो या कवर लेके एनिमी को मार सकते हो। इस टावर में लोग कैंपिंग करते हैं, आपने ये तो देखा ही होगा हमारे गेम में। और इस पे मतलब इसका यूज करके आप कैंपिंग भी किए होगे, इसी और आप मतलब कैंपिंग भी किए होगे, रश भी किए होगे मतलब। तो क्या आपने कभी रियल लाइफ में टावर देखी है? कैंपिंग टावर आप रियल लाइफ में कभी देखी है? मेरे को बता देना कमेंट करके, देखी होगी तो। और ना आज की वीडियो में आपको रियल लाइफ में कैंपिंग टावर दिखाने वाले हैं। चलिए मतलब रियल लाइफ में कैंपिंग टावर देखते हैं। दोस्तों आप बैकग्राउंड में देख ही रहे हो कि ये हमारे रियल लाइफ की कैंपिंग टावर है जिसका यूज मिलिट्री या मतलब फोर्स वाले होते हैं वो इनका यूज करते हैं, मतलब कवर लेके फाइटिंग के दौरान। इसके ऊपर तो कवर लेके वो मतलब दूर दूर तक एनिमी को देख सकते हैं, उस पर फायर कर सकते हैं। ये फाइटिंग के दौरान कवर लेने में काम करते हैं हमारे मिलिट्रीज होते हैं किसी कंट्री के, जो मतलब आर्म फोर्स होती है, मिलिट्री होती है या मतलब कोई भी आर्मी होती है, वो इस टावर का यूज़ करती है और इसी टावर को मतलब स्ट्रक्चर बनाती है, इसी टावर ऐसे ही बनाती है। और इसी से हमारे फ्री फायर ने गरीना ने गेम में लाया है, मतलब मिलिट्री वालों से इंस्पायर होकर हमारे गरीना ने गेम में टावर लाया था। तो क्या कभी इसके बारे में आपको पहले से पता थी? मेरे को कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे हम एयरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों नंबर 2 पे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों आपने गेम में तो एयरशिप देखी होगी, जैसे बैकग्राउंड देख रहे हो, मतलब ये हमारी गेम की एयरशिप है जिससे बहुत सारा लूट मिलता है, जैसे ग्लूबल्स गन्स मतलब बहुत सारे लूट्स मिलते हैं मेडिकिट। लेकिन क्या कभी आपने रियल लाइफ में एयरशिप देखी है? तो आज की वीडियो को दिखाने वाले कि रियल लाइफ में मतलब एयरशिप कैसी दिखती है। और इससे आप बैकग्राउंड देख ही रहे हो कि रियल लाइफ में एयरशिप कैसी दिखती है, मतलब अमेजिंग दिखती है यार, हमारे गेम से तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी दिखती है। मेरे को आपको क्या लगता है, गेम में वाली अच्छी है या रियल लाइफ वाली है? मेरे को कमेंट कर जरूर बता देना। और बता दें कि मतलब इस एयरशिप का यूज़ कमर्शियल एड्स को करने के लिए किया जाता है, जैसे किसी भी एड्स को करने के लिए इस एयरशिप का यूज़ किया जाता है। और एयरशिप में आप मतलब बैठ भी सकते हो, आप एयरशिप में बैठ के मतलब घूम भी सकते हो। तो क्या आप कभी अपने रियल लाइफ में एयरशिप देखी है? मेरे को कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और रियल लाइफ और गेम इन गेम मतलब दोनों में से कौन सी आपकी एयरशिप अच्छी लगी
मेरे को ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं नंबर वन की तरफ। दोस्तों नंबर वन पे हमें स्केटबोर्ड की स्किन के बारे में बताने वाला है। जैसे बैकग्राउंड देख रहे हो तो रेड कलर की जो आग निकल रही है, ये स्किन स्केटबोर्ड की आई थी हमारे गेम में, मतलब आज से कुछ लाइट पास पहले है, दो तीन लाइट पास पहले हमारे गेम में आई थी। और इसका स्किन बहुत ही ओपी लग रहा है स्किन। लेकिन क्या कभी आपने मतलब रियल लाइफ से इंस्पायर होकर बनाया, क्या कभी अपने रियल लाइफ में देखी और किस चीज़ से इंस्पायर होकर बनाया गया है, क्या आपको पता है? तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस चीज़ से इंस्पायर होकर हमारे गेम में लाई गई है। तो मतलब आपको बता दें कि हमारे एस्ट्रॉइड से इंस्पायर होकर हमारे गेम में लाई गई है। एस्ट्रॉइड्स के बारे में आपको तो जानते हो, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। ये मतलब इसके बारे में कोई बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं मेरे को लगता है। इसी को लेकर मतलब आप बैकग्राउंड देख ही रहे हो, आपको इसके बारे में क्या बताएं। एस्ट्रॉइड जैसे गिरती है हमारे अर्थ पे या किसी प्लेनेट पे गिरती है, उसी टाइम जब भी आप गेम से मतलब उतरते हो, जब एरोप्लेन से उतरते हो मतलब लैंडिंग करते हो, उसी टाइम जो सर्फबोर्ड का स्किन था उसी से इंस्पायर होकर हमारे गेम में लाया गया है। तो क्या आपको इसके बारे में पहले से पता थी? मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि फ्री फायर रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर पे लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।